हेलो गाइस, आज है 20th सितंबर और हम लोग जा रहे हैं अपनी बुलेट की डिलीवरी लेने पापा के लिए। तो चलते हैं, आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो गाइस, आज सुबह ही हमें कॉल आया था काफ़ी सारे रॉयल इनफील्ड के शोरूम से, जिन पे हमने नई वाली बुलेट की इंक्वायरी डाली थी। तो उनका आज कॉल आया कि सर बाइक अवेलेबल है, आप आज आके ले सकते हैं। तो जहाँ पे हमने बुकिंग कर रखी थी वहाँ से भी कॉल आया कि आज बाइक अवेलेबल है। तो हमने सोचा सीधा वहीं चलते हैं और वहीं बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करते हैं। तो क्योंकि डिलीवरी लेने से पहले काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, जैसे आप बाइक का PDI वगैरह करते हो या बाकी की जो भी पेपर वगैरह रहता है। तो हम थोड़ा जल्दी में थे इसलिए फटाफट से गाड़ी निकाल रहे हैं। और एक नई चीज़ जो हमारे जिस शोरूम पे हमने बुक कराई है, उन्होंने बताया कि अगर आप यूजुअली 2 या 3 बजे से पहले सारा पेपर वर्क वगैरह कम्प्लीट कर लेते हो तभी आपको सेम डे डिलीवरी मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि पहले आपको बाइक दे दिया करते थे टेम्पररी नंबर पे, बट अब सेम डे RTO की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है, नंबर प्लेट आती है, तभी आप उस दिन ले जा पाते हो बाइक। आज हमें सुबह कॉल आया कि आपकी वो जो बुलेट है वो शोरूम पहुंच चुकी है। तो यूजुअली कैसे होता है कि चेन्नई में जो इनका प्लांट है वहीं से मैन्युफैक्चर होके गुड़गांव जाती है पहले, फिर जितने भी लोकल रिटेलर्स हैं उनको सप्लाई होती है। तो देखते हैं, वहाँ अपना बाकी की पेमेंट्स वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद पापा को बुलाएंगे। ये वाली बाइक हम पापा के लिए ले रहे हैं, इट्स गोना बी ग्रेट फॉर हिम, ही इज 60+ और अब हम उन्हें इस एज में बुलेट गिफ्ट कर रहे हैं। वो अपनी जवानी में SD चलाया करते थे कॉलेज डेज में, सो हमेशा हमें वो उसकी स्टोरीज बताते थे एंड ही गेट्स रियली एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट बाइक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी इनका बाइक कलेक्शन है उसमें से एक बाइक अपनी भी है, आई थिंक आप गेस कर ही चुके होंगे। तो यहाँ जब हम कलेक्शन चेकआउट कर रहे थे तो ये जो है ये ब्लैक वाली एक्चुअली सेकंड बेस्ट ऑप्शन था नई वाली स्टैंडर्ड के लिए। तो इस बार जो ये वाला वेरिएंट है स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसमें एक ब्लैक कलर लॉन्च हुआ है और साथ में एक नया मरून या वाइन सा कलर लॉन्च हुआ है जो कि हमारा पर्सनल फेवरेट था और हमने वही बुक कर रखी है। तो यहाँ सारी बाइक्स चेकआउट वगैरह करने के बाद हम नीचे गए अपनी बाइक को देखने के लिए और फिर फाइनली यहाँ पे हमने अपना पेमेंट्स वगैरह कर दिया। तो पेपर वर्क काफ़ी लंबा रहता है इनका, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं। तो थोड़ा बहुत कैश डिपॉजिट करके हम नीचे आए तो एक ही बहुत ही अच्छी सुपर मिट्योर 650 थी जो सर्विस के लिए आई हुई थी। फिर अपना कैश की और लोन की सारे फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करके हमने RTO के पेपर्स वगैरह साइन करते बिकॉज यहाँ से डॉक्यूमेंट्स RTO जाएंगे और वहाँ से फाइनली नंबर प्लेट बन के आएगी, तभी आपको बाइक की यहाँ से डिलीवरी मिलेगी और आप बाइक घर ले जा सकते हैं। ये थी यहाँ पे एक हिमालयन और पुराने क्लासिक के मैट ब्लैक कलर और ये है क्लासिक का ग्रे कलर और साथ में ही खड़ी थी हमारा एक और ऑप्शन जो था क्लासिक हेल्सिन ग्रीन और साथ में खड़ी थी ये ब्लू स्क्रैम और साथ में यहाँ पे थी एक ब्लू कलर की मिट्योर जो पापा को बहुत पसंद आई थी। अभी थोड़ी देर में हम पापा को भी बुलाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लेटेस्ट वाली बुलेट 350 का ब्लैक कलर स्टैंडर्ड वेरिएंट जो कि मिड वेरिएंट है, ऑन रोड पड़ता अराउंड 2,26,000 रुपये का। और फिर ये है क्लासिक सिग्नल्स का ग्रीन कलर का ऑप्शन और ये है क्लासिक की डेजर्ट स्टॉर्म और साथ में खड़ी है क्लासिक बेस रेड कलर की और पीछे की साइड यहाँ पे खड़ी है क्रोम GT 650। तो इंटरसेप्टर 650 तो ऑलरेडी हमारे पास आई तो ये काफ़ी सिमिलर है उससे, बस स्टांस का फ़र्क है। और ये खड़ी है हिमालयन जो कि बहुत ही अच्छा है, एक टूरिंग ऑप्शन है राइडर्स के लिए। और ये सारा था इनका क्लोथिंग मर्चेंडाइज यहाँ पे शोरूम में। सेम डे जिस दिन हम डिलीवरी ले रहे थे काफ़ी सारे नए हेलमेट्स भी डिलीवर हो रहे थे, तो काफ़ी बढ़िया कलेक्शन हो चुका है रॉयल इनफील्ड में हेलमेट्स का। आप डर्ट बाइक वाले ले सकते हैं, फुल फेस हेलमेट्स ले सकते हैं या ओपन फेस हेलमेट्स ले सकते हैं। बट एक चीज़ बुरी लगी, नई बाइक के साथ इन्होंने जो हमें हेलमेट दिया ना उसके साथ इस बार वाइज़र भी नहीं दिया, वो अलग से हमें 350 का परचेज करना पड़ा। तो आई थिंक काफ़ी अजीब सी कॉस्ट कटिंग है कंपनी की तरफ से। तो स्टॉक चेकआउट करने के बाद हम नीचे आ गए, हमने ये वाला लेग गार्ड ऑप्ट किया था, इसका प्राइस अराउंड 4,500 था। बट हमने बोला भाई नई बाइक पे तो कुछ डिस्काउंट वगैरह दो, तो जैसे तैसे करके ये हमें इन्होंने 3,850 या 3,900 के करीब पड़ा था ये वाला और फाइनली हमारा लेग गार्ड लग चुका है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये लेग गार्ड कैसा लग रहा है। पर्सनली मुझे ये बेस्ट लगा था क्योंकि इसमें थोड़ी सी मॉडर्न रेट्रो लुक है।
बस फिट वगैरह होने के बाद हमने इनको बोला कि स्क्रूज वगैरह सब अच्छे से टाइट कर देना, बिकॉज कभी कभी ये लोग स्क्रू लूज छोड़ते हैं तो थोड़ा सा मोमेंट रहता है लेग गार्ड में। फिर फाइनली लेग गार्ड फिट होने के बाद ये लोग ड्राई वॉश के लिए बाइक को ले जाते हैं, बिकॉज डिलीवरी से पहले थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं। गाइस जब बाइक पूरी क्लीन वगैरह हो गई उसके बाद ये नंबर प्लेट फिट करने की फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो गई। और आप नोटिस करें कि नंबर प्लेट के साथ साथ ना मैंने यहाँ से एक फ्रेम भी परचेज किया ब्लैक कलर का, जिसका कॉस्टिंग मुझे अराउंड 250 रुपीज़ पड़ी थी। तो फ्रंट और रियर नंबर प्लेट पर एक फ्रेम लग जाता है, तो जब भी आप देखते कभी बेंड वगैरह होती है नंबर प्लेट तो ये उससे प्रोटेक्टेड रखती है। और यहाँ पे भाई साहब जो है पापा को थोड़ा बहुत बाइक के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे स्टोरेज बॉक्स वगैरह ओपन करना है। एंड फाइनली गाइस बाइक की चाबी पापा को हैंड ओवर कर दी गई है, रूम के लिए काफ़ी ऑफर था, बट मैंने कहा भाई ब्लॉग के लिए आपको पोस्ट करना ही पड़ेगा। करो स्टार्ट। चलो हल्के हल्के ले आओ। रेस देना। सो गाइस पूरे दिन की मेहनत के बाद काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद फाइनली सब नंबर प्लेट वगैरह आ गई है, फिट हो गई है, डिलीवरी अच्छे से ले ली है और ये बाइक को हम बाहर लेके आए। तो शांति से यहाँ पे बाइक को एक बार निहार रहे हैं कि ओवरऑल लुक्स कैसे आ रही है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है बुलेट 350 मिड वेरियंट के बारे में। इसमें एक ब्लैक कलर है, एक ये मरून कलर है जो कि मोर ऑफ अ वाइन कलर लगता है। तो आप कमेंट डाउन करके बताइए पर्सनली आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरी फेवरेट चॉइस तो ये थी बिकॉज इसकी फर्स्ट इंप्रेशन ही रेट्रो लुक थी और मुझे बुलेट जितनी पुरानी लुक मारे उतनी अच्छी लगती है। तो गाइस बाइक को फाइनली मैं यहाँ से लेके निकल रहा हूँ, सामने ही पेट्रोल पंप है, इसका पहला फ्यूल अप वगैरह कराते हैं। कंपनी कहती तो है कि अराउंड 1 or 2 लीटर इन्होंने पेट्रोल दिया, बट फ्यूल लेवल काफ़ी कम दिख रहा था, तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं सामने ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल फिल कराते हैं फिर घर के लिए निकलते हैं। बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी बाइक को घर वालों को भी दिखाने लेके जाना है और उससे पहले मंदिर ले जाके पूजा भी करानी है। तो ये हम सामने वाले पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, इसका पहला फ्यूल अप वगैरह करा रहे हैं। मानो ऐसे करो प्लीज, यू हैप्पी। और बानू को मैंने बुलेट के बारे में पहले ही एक्साइट कर दिया था कि दादू की बुलेट आने वाली है, एंड शी सेड कि उसको इंटरसेप्टर से भी ज़्यादा बुलेट पसंद आ रही है। सो गाइस फाइनली मंदिर आ गए हैं बाइक की पूजा कराने के लिए, एंड टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अराउंड रात के 8:30 बज रहे थे, तो अंदर आरती चल रही है तो देख के आते हैं, अंदर पंडित जी से पूछते हैं कितना टाइम रहेगा उनको आने में और फिर फटाफट से पूजा कराते हैं बाइक की। दरबार की जय। सो गाइस पूजा अच्छे से हो गई है, भगवान जी से उनकी ब्लेसिंग्स ले लिया और उनको थैंक यू कर दिया हमें बाइक देने के लिए, और आशा करते हैं बाइक हमारे लिए लकी रहे और सेफ रहे। बाइक की फाइनल डिटेल मैं आपको बताऊं तो ये बाइक मुझे पड़ी है 2,26,000 ऑन रोड दिल्ली में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फाइनली ये चेक करें तीनों बाइक्स मस्त कर पे आ चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।